और दोस्तों आज हमको मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि दोस्तों मेरे हमारे वीडियो में तो बड़े यूट्यूबरों ने कमेंट किया है। एक जो मतलब कि हमारे झारखंड वाइज नंबर वन वाले भैया जी हैं वो, और एक हमारे जो डीजे शर्मा छतरपुर जिसके लगभग 60,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी वाला ब्लॉग में। और दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड, मतलब पहुँचे नहीं है, मतलब आधे दूर में अभी। और देख सकते हैं मेरे भांजे जी सुबह सुबह बिस्किट ले लिए हैं और खाते जा रहे हैं अभी। और दोस्तों जो पहले और एक आया था मेरा चाची का बेटा, वो नहीं आया है आज, उसको काफ़ी ज़ोरों से मतलब खांसी पकड़ लिया ठंडा की वजह से, तो अभी नहीं आया है आज। तो कोई बात नहीं, हम लोग दो जने हैं जा रहे अभी, तो चलिए आज मिलते हैं ग्राउंड में जाके थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों अपन लोग पहुँच गए ग्राउंड में, देख सकते हैं हम लोग ग्राउंड में पहुँच गए। और दोस्तों कल ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसाए थे, मतलब मस्त कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी ही खेल कूद करते, स्कूल भी जाना आज, तो चलते वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फाइनली गाइस हम लोग का सब एक्सरसाइज वगैरह सब हो चुका है और आप लोगों को दिखा नहीं पाए, मतलब ये कैमरा खराना है, मतलब इनको नया था, ये मतलब काफ़ी छोटे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधे घर, स्कूल भी जाना है, तो चलिए मिलते हैं घर में। तो दोस्तों फाइनली घर पहुँच चुके और देख सकते हैं यहाँ पर सब मिलकर यहाँ पर पूरा धुआंधार मचा दिया आंगन में, पूरा एकदम कूड़ा कचरा सब एकदम खेल खेल के पूरा। तो चलिए दोस्तों फ्रेश व्रेश होते, स्कूल भी जाना होगा अभी, तो चलिए मिलते हैं फ्रेश होके। तो दोस्तों फाइनली हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब स्कूल जाके सीधे मिलते हैं, बाय बाय। तो फाइनली गाइस अपन स्कूल से घर आ चुका है, अब जाएंगे फ्रेश व्रेश होने के लिए, बहुत जोरों से भी भूख लग चुका, तो चलिए अब खाना खा के बाद। तो गाइस फाइनली खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अभी सिस्टर पढ़ाई कर रही है और हम चलेंगे खेत। और दोस्तों अभी हमको मालूम नहीं है मतलब क्या क्या कर रहे हैं वहाँ खेत में, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अभी जाएंगे खेत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और दोस्तों आज हमको मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि दोस्तों मेरे हमारे वीडियो में तो बड़े यूट्यूबरों ने कमेंट किया है। एक जो मतलब कि हमारे झारखंड वाइज नंबर वन वाले भैया जी हैं वो, और एक हमारे जो डीजे शर्मा छतरपुर जिसके लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारे झारखंड वाइज नंबर वन वाले भैया के लगभग 30,000 हो गए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि जब बड़े यूट्यूबर मतलब बड़े यूट्यूबर जब छोटे यूट्यूबर को इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मतलब छोटे यूट्यूबर की जो अंदर से खुशी आती है ना भाई, बता नहीं सकते आप लोग को। तो थैंक यू सो मच, मतलब कि आप लोग मतलब ऐसे छोटे यूट्यूबर को कमेंट करते सपोर्ट करते, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और इस सब हम लोग को वही मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए मस्त। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, तो चलेंगे आप सीधे खेत तरफ, देखते हैं क्या क्या काम है क्या नहीं, तो चलिए सीधे मिलते हैं खेत में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम बाहर ही पहुँच चुके हैं और ऐसे दोनों उधर मस्ती से चल रहा है, देखते हैं आगे मतलब क्या कर रहे हैं मम्मी पापा, चलो देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं माँ के पास पहुँच गए और देखते हैं पीछे क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरे से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर धान यहीं पर पिसाए थे, तो बच गया था जो नीचे, वो उड़ा रहे हैं अभी और जमा कर रहे हैं यहाँ पर बोरा में। और अभी इन लोग मतलब इनको ले जाना होगा नदी साइड धोने धाने के लिए, देख सकते हैं अभी हवा भी मस्त चल रहा है तो उड़ा रहे हैं बढ़िया एकदम। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली पूरा हो गया है धान उड़ावल और देखते हैं कुछ इतना हुआ। और अभी दोस्तों हम लोग को नदी लेना है, इन लोग को मतलब साइकिल में लेने अच्छा होगा या कच्चे में लगेंगे अभी पता नहीं, तो चलिए अभी इधर से बाहर निकालते हैं बारिश से, उधर रोड तरफ लेते हैं, चलिए उठाते पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं हम मोड़ में उठा लिए हैं और अभी मम्मी भी आ रहे हैं पीछे पीछे, तो चलिए रोड में चलते हैं निकलते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं हम निकाल दिए हैं यहाँ पर रोड के साइड में, अब यहाँ मतलब साइकिल भी इधर ही है मतलब कुंबा तरफ है, तो उसको भी अभी लाएंगे साइकिल में, देखते हैं मम्मी जो बोलेंगे मोड़ में लेना होगा तो मतलब यही मोड़ी से ले जाएंगे नदी तक, और अभी जितना सुविधा होगा उसके हिसाब से लेकेंगे। और देख सकते हैं मतलब उधर आएगी इसके बाद देते हैं काचिंग लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी भी आ चुके हैं अभी यहाँ पर, यहाँ पर अब हम रख दिए थे, आप कौन से मिलेंगे मतलब साइकिल या तो दोस्तों चलिए मोड़ में उठाते हैं, अब नदी साइड में जाना होगा लगभग हाफ किलोमीटर दूर, तो चलते हैं नदी में। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग फाइनली नदी में पहुँच चुके और हम रख दिए नीचे और भाई गर्दन और आप मम्मी को उतार देते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अब इसको फटाफट धोते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई माँ अभी धो रहे हैं धान को, और यहाँ पर इतना सा है और यहाँ पर इतना सा, अभी सबको धोना है पारी पारी से, तो चलिए सबसे पहले मतलब धो लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेट लग रहा है, अभी आधा भी नहीं हुआ और देख सकते अभी इतना ही सा हुआ है धो के, मतलब यहाँ पर दिखाते आप लोग को बैक कैमरे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी आधा है और आधा खखरी धान का, तो वो निकालने में काफ़ी ज़्यादा लेट लगता है नदी में, देख सकते अभी से
देखो ये वाला धोल वाला है कितना सा हुआ एक खांचे में, और ये वाला भी पूरे बाकी है, तो हमको लगता है दोनों मिला के एक खांचे होगा इसमें। और कितना लेट लगता है, तो चलिए पूरा मतलब कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का हो गया धान धोया हुआ, देख सकते कुछ इतना सा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें था पूरा भर के, और अभी मम्मी मतलब थोड़ा सा बाकी तो वो धो रहे हैं, वो खांची में भी था और धोधा के देख सकते इतना सा कुछ हुआ दोस्तों। इसमें सिर्फ मिट्टी भरा था और मतलब क्या बोलते हैं उसको, धान का खखरी भरा था, इसलिए ज़्यादा दिख रहा था, और इसे धोने के बाद कुछ इतना सा हुआ है देख सकते। और अभी मतलब पारा धो रहे हैं मतलब अच्छे से, अब हो गया तो अब सारा सामान धो डालेंगे अच्छा से और चलेंगे अब बाद में। तो दोस्तों सब हो गया है धान धोल, अब परात में भर रहे हैं मम्मी, चलिए हम भी भर देते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग का सब हो गया, अब सारा सामान समेट लिए हैं, अब उठा देते हैं माँ को। तो दोस्तों हम उठा दिए और अब मेरा हम झोला झक्कर लेते जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग नदी से उठ रहे हैं अब, और जाएंगे अभी मतलब बारी में, वहाँ भी अभी कुछ कुछ काम है, तो चले तो सीधे मिलते हैं बारी में। दोस्तों देख सकते हैं अभी काफ़ी नदी से उठे और अचानक हमको दिख गया, देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग आम का बगीचा है, और देख सकते हैं तारकोटा, और बीचों बीच में हम लोग का अभी सूर्यास्त हो रहा है, जगह मस्त लग रहा है दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग फाइनली कुंभा के पास पहुँच चुके, अब इसको रखते हैं दोस्तों, इसको घर नहीं ले जाना है, इसको यहीं पर रख देना है, तो बाद में ले जाना जब सूखेगा तब। और पापा जी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर किधर गए हैं वो यहाँ अभी। और दोस्तों अब शाम भी हो गया है, तो अब घर चलना होगा, तो देखते अभी दोनों मतलब जानवरों को लेते जाना होगा, खूटा हुआ है, चलिए उन दोनों को खोलते हैं अभी। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं, और इन लोग दोनों पोरा खा के मस्ती से लदा अलगा लिया है, तो चलिए इन लोग को खोलते हैं। चल ये वो तो खोल लिए, अब दूसरा का पारी, चल दोनों को खोल दिए, अब इन लोग घर जाएगा आराम से। और दोस्तों जब इन लोग को सुबह में मतलब कि खोलते हैं ना, मतलब जब खोलते हैं तब इन लोग खोलने देता, बहुत ज़ोरों से मारने के लिए दौड़ाता है, क्योंकि दोस्तों उन लोग का मतलब पेट भरा नहीं रहता है, इसलिए उन लोग भी मतलब चरने खोजता है तो खुटने नहीं देने लगता इसलिए। तो अभी इन लोग का पेट पूरा भरा हुआ है, तो इन लोग हमको मतलब अपने पास जाने दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग को हमको मतलब कि खास करके हमको पापा जी को दादाजी को कुछ नहीं करते, बस हमको ही मतलब कि अपने सामने नहीं जाने देते, मतलब कि मारने के लिए खोजते, पूरा सिंह एकदम ढूंढने लगते हैं। तो देख सकते हैं मस्ती से जा रहा है दोनों, तो चलते हैं दोस्तों अब घर सीधे। तो दोस्तों देख सकते हैं इन लोग को लेके हम घर पहुंच चुके हैं, अब इन लोग को खोजते हैं। चल चल, दोनों एक साइड हो गया। दोस्तों पहले खोट लेते हैं, इन लोग छटपटा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इन लोग दोनों को खोट दिए पीछे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, बाय बाय।